Hello everyone, with the proceedings of this chapter, let's continue with our topic, wildlife. The tundra region is home to fur-bearing animals like polar bears, musk, oxen, reindeer and wolf-like dogs called huskies. जो tundra region है, ये home है, ये घर है, कैसे animals का, जो fur-bearing है, जिनको अपनी बॉडी पर ही फर मिला हुआ है, जैसे पॉलर बियर, मस्क, ऑक्सन, रेंडियर और वोल्फ लाइक डॉग्स हैं, जिनको हम हस्कीज भी बोलते हैं. द हस्कीज आर इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल एंड आर वाइडली यूज इन हंटिंग एंड फॉर पुलिंग स्लेजेस. हस्कीज जो है वहाँ का इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक पालतू जो है, घरेलू जो पशु है, जो कि वहाँ पर वाइडली यूज इन हंटिंग, हंटिंग के लिए यूज होता है और स्लेज को खींचने के लिए. वहाँ पर बर्फ पर कोई वहाँ पर यातायात का साधन तो चल नहीं सकता है, तो वहाँ पर स्लेजेस बनाई जाती हैं उस बर्फ पर खींचने के लिए. तो उनको खींचने के लिए, उन स्लेजेस को खींचने के लिए वहाँ के जो पीपल हैं वो हस्कीज का यूज करते हैं. अ स्लेज इज कॉल्ड एन आइस बोट. स्लेज जो है वो एक आइस बोट होती है. इट हैज नो व्हील्स. इसमें कोई भी व्हील्स यानी पहिए नहीं होते हैं. सेवरल वराइटीज ऑफ फिश एंड सी बर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड हेयर. बहुत सारी वराइटीज़ जो हैं सी फिश, फिशेज की और सी बर्ड्स की यहाँ पर जो मिलती हैं. द पीपल, यहाँ के लोग कैसे हैं. द एस्किमोज और इन्यूइट्स वर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड. जो एस्किमोज और इन्यूइट्स थे वो ग्रीनलैंड के एक्चुअल में जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, जो ओरिजिनल वहाँ के निवासी हैं वो हैं, वो थे. बट नाउ एज पीपल फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप हैव ऑल्सो माइग्रेटेड टू ग्रीनलैंड. लेकिन अब जो पीपल हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के, वो भी हैव ऑल्सो माइग्रेटेड, जो माइग्रेट हो गए हैं ग्रीनलैंड की तरफ. द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड ग्रीनलैंडर्स. तो पीपल ऑफ जो ग्रीनलैंड है उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनलैंडर्स बोलते हैं. दे हैव अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम कोल्ड. उनको उस ठंडे जो वातावरण है, ठंडा जो वहाँ की जलवायु, उसमें रहने की आदत हो चुकी है. उनको एडजस्ट कर चुके हैं अपने आप को वहाँ पर रहने के लिए. दे आर शॉर्ट एंड स्टॉट विद फ्लैट फेसेस. वो हाइट में छोटे होते हैं और उनके फेस जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं. नैरो ब्लैक आइज, छोटी छोटी उनकी ब्लैक आइज होती हैं. एंड अ कॉपर येलो कलर्ड स्किन. कॉपर येलो कलर की उनकी जो है स्किन का कलर है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोथ्स, यानी कपड़े. वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं. बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड ग्रीन लैंडर्स वियर क्लोथ्स ऑफ एनिमल फर एंड सील स्किन. क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो जो ग्रीन लैंड के लोग हैं वो कपड़े पहनते हैं एनिमल की फर से बने हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, या फिर सील की जो स्किन होती है उनसे बने कपड़े वो पहनते हैं. दे वियर अ कोट ऑफ जैकेट विद अ बिग हुड. वो एक बड़ा सा कोट या जैकेट पहनते हैं जिसके ऊपर बहुत बड़ा हुड होता है, यानी एक तरह की टोपी बनी होती है उसी जैकेट में ही. कॉल्ड पार्का, उसको पार्का भी बोलते हैं. विमेन वियर बिगर हुड्स टू प्रोजेक्ट द बेबी, प्रोटेक्ट द बेबीज. विमेन जो है वो बहुत बड़े बड़े हुड्स, तो कैप वाली जो है वो पहनती हैं, जैकेट या कोट, जिससे वो अपने बेबीज को प्रोटेक्ट कर सकें ठंडी हवाओं से. लॉन्ग लेदर शूज और हाई लेदर बूट्स आर वॉर्न. वहाँ पर लंबे लंबे लेदर के शूज़ या हाई बूट्स जो होते हैं वो गर्म रखने के लिए अपने आप को पहने जाते हैं. हाउसेस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउसेस. वहाँ पे घर कैसे बने होते हैं. एस्किमोस कॉल देयर हाउसेस इग्लूज. एस्किमोस जो है वो अपने हाउसेस को क्या बुलाते हैं, इग्लू बुलाते हैं. इग्लूज कैन बी मेड ऑफ आइस, वुड, स्टोन और एनिमल स्किन. इग्लूज कैसे बने होते हैं, आइस से भी बन सकते हैं, वुड यानी लकड़ी, स्टोन पत्थर, एनिमल की स्किन से भी बन सकते हैं, यानी पशुओं की चमड़ी से भी बन सकते हैं. स्नो हाउसेज आर मेड ओनली ड्यूरिंग द विंटर सीजन बाई ग्रीन लैंडर्स लिविंग इन द एक्सट्रीम नॉर्थ. जो स्नो हाउसेज, बर्फ के हाउसेज कब बनाए जाते हैं, ग्रीन लैंडर्स के द्वारा, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, यानी विंटर सीजन में. स्लैब्स आर पुट साइड बाई साइड्स टू फॉर्म अ सर्कल. जो आइस की स्लैब्स होती हैं उनको एक साइड साइड पर लगाया जाता है ताकि वो एक सर्कल की शेप ले ले. एंड द सेकेंड लेयर इज पुट ऑन द फर्स्ट वन टू मेक इट डूम शेप. और एक के ऊपर एक लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर और लगाई जाती है ताकि वो डूम की शेप में आ जाए, एक गुंबद की शेप में आ जाए. देयर इज अ होल इन द सेंटर ऑफ सेंटर टू लेट आउट हॉट एयर एंड स्मोक.
वहां पर एक होल होता है उसमें, ठीक है, जिससे इन द सेंटर सेंटर में, ताकि जो गर्म हवा है या धुआं है ना, वो क्या हो सके, लेट आउट, बाहर निकल सके। वन हैज टू रिमूव एन आइस स्लैब टू क्रॉल इन थ्रू द टनल। क्या होता है, अगर किसी को उस टनल के अंदर जाना है तो उसको आइस का स्लैब वहां से हटाना पड़ेगा। द फ्लोर इज लाइंड विद एनिमल स्किन एंड फर, और फर्श पर क्या बिछाया जाता है, एनिमल की स्किन या उनकी फर जो है वो बिछाई जाती है ताकि उससे गर्मी मिलती रहे। द फैट ऑफ वेल्स एंड एनिमल इज यूज टू लाइट लैम्प्स एंड कुक। जो फैट मिलता है ना वेल्स और एनिमल्स से, ठीक है, उससे लैम्प जलती हैं और खाना पकाने के लिए, कुकिंग के लिए भी वो यूज होते हैं। इन समर दे लिव इन टेंट्स मेड ऑफ स्किन कॉल्ड टॉपिक्स। समर्स में वो किस में रहते हैं, एनिमल की जो स्किन होती है जिससे बने हुए टेंट्स होते हैं, जिनको टॉपिक्स भी बोला जाता है, उसमें वो रहते हैं। नाउ नेक्स्ट आर टॉपिक इज ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन होता है उनका काम क्या है, वो क्या काम करते हैं अपनी जीविका को चलाने के लिए। ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्ड एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंडा होता है तो एग्रीकल्चर यानी खेती जो है वो तो पॉसिबल है ही नहीं वहां पर। इन समर सम पोटैटोज आर ग्रोन, लेकिन गर्मियों में कुछ आलू जो है, पोटैटोज जो है वो वहां पर उगाए जाते हैं। सो द चीफ ऑक्यूपेशन आर हंटिंग एंड फिशिंग। तो इसलिए उनका जो मेन जो व्यवसाय है वो क्या हो गया, हंटिंग और फिशिंग, यानी शिकार और मछली पकड़ना। दे हंट मस्क ऑक्सन हेयर पॉलर बेयर सील्स वेल्स एंड फिश। ये सारी चीजें को का वो शिकार करते हैं। अर्लियर दे यूज अ हार्पून और अ स्पीयर विद अ रोप अटैच, नोइंग द हैबिट्स ऑफ सील्स। क्या होता था, पहले तो वो क्या करते थे, एक हार्पून यूज करते थे या फिर एक स्पीयर, यानी जो भाला नहीं होता दूर से फेंक कर मारे जाने वाली कोई चीज, दैट इज कॉल्ड स्पीयर, ओके, ताकि वो सील का शिकार कर सकें। दे हैड अ स्पेशल मेथड टू हंट सील, और उनके पास स्पेशल मेथड्स भी होते थे सील का शिकार करने के लिए। सील इज अ सी एनिमल। दे वुड मेक अ होल इन द आइस एंड वेट फॉर द सील्स टू कम फॉर एयर एंड देन किल इट वेन विद अ हार्पून। वो क्या करते थे, एक होल बनाते थे आइस में, और जब सील जो होती थी वो बाहर निकलती थी एयर लेने के लिए, तो हार्पून से उसको मार देते थे। लकड़ी के आगे एक छोटा सा स्पीयर लगा होता है, दैट इज कॉल्ड हार्पून। टुडे हंटिंग एंड फिशिंग मेथड हैव चेंज एंड दे यूज राइफल्स एंड मोटर बोट्स। आज जो है वो हंटिंग और फिशिंग के जो मेथड्स हैं वो चेंज हो चुके हैं, इसके लिए वो राइफल्स और मोटर बोट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड इज मेड अप ऑफ सील स्किन। अब क्या होता है, सॉरी, ट्रांसपोर्टेड, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट। द ग्रीनलैंडर्स यूज स्मॉल बोट्स कॉल्ड अ कायक फॉर हंटिंग सी एनिमल्स। ग्रीनलैंडर्स जो हैं वो छोटी छोटी बोट होती हैं उनके पास, जिनको कायक बोला जाता है, वो हंटिंग सी एनिमल की हंटिंग के लिए यूज करते हैं। इट हैज फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड इज मेड अप ऑफ सील स्किन। इसका जो फ्रेमवर्क होता है, जो ये कायक बनी हुई होती हैं, ये सील की स्किन से बनी हुई होती हैं और उसकी ही बोन से उसका फ्रेमवर्क किया जाता है, उसी की हड्डियों से इसका फ्रेमवर्क किया जाता है। ऑन लैंड दे यूज स्लेज ऑफ फॉर कैरिंग विदाउट व्हील्स विच आर पुल्ड बाय हस्की डॉग्स एंड रेनडीर्स। लैंड पर वो स्लेजेस बनाते हैं, ठीक है, जो कि विदाउट व्हील्स होती हैं, जिसको हस्की डॉग्स या रेनडीर्स जो हैं वो पुल करते हैं, ओके। दे यूज स्लेजेस टू कैरी गुड्स वेन दे माइग्रेट साउथ इन स्प्रिंग एंड समर। वो स्लेजेस का यूज अपने सामान को खींचने में करते हैं जब वो माइग्रेट करते हैं, यानी जब वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं स्प्रिंग या समर में। नेक्स्ट है डेवलपमेंट, वहाँ क्या क्या हुए हैं ग्रीनलैंड में। द लाइफ ऑफ एस्किमोज हैज अंडरगोन मैनी चेंजेस इन रिसेंट टाइम। जो अभी टाइप जो चल रहा है उसमें जो एस्किमोज की लाइफ है वो बहुत सारे चेंजेस से गुजरी है। एस्किमोज टूडे यूज मोटराइज स्लेजेस कॉल्ड स्कीडूज फॉर ट्रांसपोर्ट। आजकल जो एस्किमोज हैं वो मोटराइज, जिसमें मोटर लगी होती है, ऐसी स्लेजेस यूज करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, स्कीडूज बोला जाता है। दे यूज मोटर बोट्स फॉर फिशिंग, वो मोटर बोट फिशिंग के लिए भी यूज करते हैं। नाउ अडेज देयर आर गुड रोड्स एंड फाइन नेटवर्क और कम्युनिकेशंस। वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी रोड्स बन गई हैं और कम्युनिकेशन के भी बहुत अच्छा नेटवर्क बन गया है। स्कूल्स कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स हैव बीन ओपन सम
जो स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल्स हैं वो भी अब खुल चुके हैं वहां पर। सम टाउन्स हैव एयर लिंक्स विद डेनमार्क एंड नॉर्थ अमेरिका। कुछ टाउन्स का तो एयर लिंक भी है, यानी जहाज यानी एरोप्लेन वगैरह से भी जाना चाहे तो वहां पर जा सकते हैं। डेनमार्क और नॉर्थ अमेरिका के साथ एयर लिंक भी वहां पर बन गए हैं। दिस हैज ब्रॉट सम देम क्लोजर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इससे जो ग्रीनलैंड है वो बाकी जो सारा जो वर्ल्ड है उसके थोड़ा सा क्लोजर आ गया है। तो बेटा जो आपका चैप्टर है वो यहीं पर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हमारे वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।